आज हम कंप्यूटर के प्रकार के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कॉपी में, कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर को तीन वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है आकार के आधार पर, जिसमें कंप्यूटर को चार भाग में और कार्य के आधार पर कंप्यूटर को तीन भाग में और उद्देश्य के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। चलिए आते हैं अपने पहले टॉपिक। नंबर वन, आकार के आधार पर कंप्यूटर को चार भागों में बांटा गया। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। कार्य के आधार पर कंप्यूटर को तीन भागों में, नंबर वन एनालॉग कंप्यूटर, सेकेंड डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। और उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है, सामान्य कंप्यूटर एंड विशिष्ट उद्देश्य। जहाँ तक हम बात करें माइक्रो कंप्यूटर, तो इसका इस्तेमाल आज बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। इसका प्रयोग हम डिजिटल वॉच, माइक्रो कंप्यूटर का यूज हम डिजिटल वॉच, लैपटॉप, डेस्कटॉप में करते हैं। और वहीं पर मिनी कंप्यूटर का उपयोग छोटी कंपनियां या मध्य स्तर कंपनियां करती हैं। मिनी कंप्यूटर का आकार व बजट दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होता है। वहीं अगर हम बात मेन फ्रेम कंप्यूटर की करें, तो वह दोनों ही कंप्यूटर माइक्रो और मिनी से बड़े और लागत में भी अधिक होते हैं। इसका उपयोग भुगतानों का ब्यौरा रखने, बिल को भेजने व कर्मचारियों को अपने पेमेंट करने के लिए किया जाता है, पेमेंट को देने के लिए किया जाता है। जहाँ तक बात हम सुपर कंप्यूटर की करें, तो ये मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम तीनों कंप्यूटर से अधिक बड़ा और लागत में भी अधिक होता है। इसका उपयोग हम बड़े बड़े कामों में करते हैं, जैसा कि मौसम की भविष्यवाणी करने में, एनिमेशन का निर्माण करने में। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रेवन था। जहाँ तक बात है भारत की, तो भारत का सुपर कंप्यूटर परम था। इस समय कई सुपर कंप्यूटर भी आ चुके हैं।